ये लिखा सफा नंबर 25 पर कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हो गए, वह तो मिला उमर इला बैतिही फआशा सलासत अय्यामिन, जख्मी होने के बाद भी 3 दिन जिंदा रहे, वमाता सुम्मा माता, ये 25 सफे पर इन्होंने इसको जिक्र किया। इसके बाद नहायत अहम तारीख है जिसको तारीख तिबरी कहा जाता है, तारीख तिबरी मुसन्निफ की वफात 310 हिजरी, इसकी जिल्द नंबर 5 में सफा नंबर 54 पर इस चीज को जिक्र किया गया है। तो ऐना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु यौम अल अरबिया है लियारबाए लियालिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा सनत 23 वदुफिना यौम अल अहद सुबाहा हिलाल अल मुहर्रम सनत 24। इन्होंने भी उस मुहर्रम के हवाले से और उस मौके पर इब्ने जरीर तिबरी ने इसको लिखा, जो बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं और मुअर्रिख भी हैं। इसके बाद तारीख मदीना दिमश जिल्द नंबर 44 और कुल जिल्दें इसकी 80 हैं। इमाम इब्ने असाकिर की ये किताब जो 80 जिल्दों पर है, उसमें जो जिल्द नंबर 44 है, अब पक्की पकाई रोटी खाना तो आसान है, पकाना जरा मुश्किल है, 80 जिल्दों में से एक लाइन ढूंढना, ये जिल्द नंबर 44 है और जिल्द नंबर 44 के अंदर 464 सफे पर लिखा है, तुअना उमर उमर इब्न अल खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु यौम अल अरबिया है बुध वाले दिन आप जख्मी हुए, लियारबाए लियालिन बकीना मिन ज़िल हिज्जा 4 रातें ज़ुलहज के उस वक्त बाकी थी, सनत 23 हिजरी थी, वदुफिना यौम अल अहद सुबह हिलाल अल मुहर्रम सनत 24। इन्होंने भी उस मुहर्रम के लिहाज से ही अपनी तारीख में इसको सबत किया। इसके बाद इमाम ज़ाहबी की तारीख इस्लाम, इसके जिल्दे नहीं, इसमें सिर्फ सन के लिहाज से वो लिखा जाता है और ये एक जिल्द से हवाला पेश कर रहा हूँ और ये भी बहुत बड़ी तारीख है, इसकी कुल 52 जिल्दें हैं, 52। तो उसमें इन्होंने ये लिखा है हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के योम वफात के लिहाज से, इन्होंने लिखा इना दोफेना योम अल अहद मुस्तहल अल मुहर्रम, मुस्तहल होता है जब चांद तुलू हो चुका हो, यानी मुहर्रम आ चुका था, उसके बाद विसाल हुआ, रात चांद तुलू हुआ और अगले दिन आपकी जो है वो तदफीन की गई। अब 8वां इब्ने कसीर की अलबिदाया व निहाया, इसमें जिल्द नंबर 7, जिल्द नंबर 7 में सफा नंबर 148 और 147 यहाँ ये अल्फाज जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें पहले ये लिखा है कि जब जख्मी हुए वकायम युसल्ली फिल मिहराब सलात सुबह मिन यौमिल अरबिया, बुध के दिन सुबह की जमात करा रहे थे मिहराब में, ले अरबाइन बकीना मिन ज़िल हिज्जा मिन हाज़िस सना बिखंजर ज़ात तरफ़ैन व माता रदी अल्लाह तआला अन्हु बादा सलासिन, 3 दिन बाद विसाल हुआ, व दुफिना फी यौमिल अहद मुस्तहल्लिल मुहर्रम फी सनत 24। और विसाल के बाद जब आगे दिन था यकम मुहर्रम का, उस दिन फिर आपकी तदफीन हुई और चांद तुलू हो चुका था, उसके बाद आपका विसाल हुआ। इसके बाद इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की तारीखुल खुलफा ये नवा हवाला है, इसके अंदर जो मकतबतुल फजर की छपी हुई है उसमें भी यही अल्फाज मौजूद हैं, उसीबा उमर यौम अल अरबिया ले अरबाइन बकीना मिन ज़िल हिज्जा, उसीबा का मतलब है आप पर हमला हुआ, आप जख्मी हुए बुध के दिन, व दुफिना यौम अल अहद मुस्तहल मुहर्रम और फिर यकम मुहर्रम आपकी तदफीन हुई। और इसके बाद इबन जौजी का जो हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के मनाके पर जो लिखी हुई किताब है, इसके अंदर भी यही हवाला जो है वो मौजूद है सफ़ा नंबर 165 पर। तो ये कोई कुफर इस्लाम वाली बात नहीं कि अगर कोई दूसरा माने तो काफिर हो जाएगा, लेकिन एक हकीकत ये है और यह कि जो जिक्र किया गया दूसरे का वो इस बुनियाद पर कि हमला जो है वो उस दिन हुआ था, लेकिन विसार उस दिन नहीं था, विसार उसके बाद है, लेकिन तज़करा 26 को किया जाए, 27 को किया जाए, जैसे आज अब यकम मुहर्रम नहीं है तो फिर भी हम तज़करा कर रहे हैं, तो इस बुनियाद पर यानी ऐसा कोई झगड़ा नहीं, लेकिन किसी हकीकत का इनकार कर देना ये जायज़ नहीं। इंशाल्लाह हकीकत को साबित करने वाले अभी तक मौजूद हैं।